नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। इनको बंगाल टाइगर भी कहते थे, ठीक है, इंपीरियलिस्ट खुद को ही बंगाल टाइगर कहते थे। एंड व्हेन ही केम टू इंडिया, ही केम विथ अ पॉलिसी ऑफ फॉरवर्ड फॉरवर्ड पॉलिसी का जो पूरा का पूरा थॉट लेके आए हैं। एंड ही इज अट्रीब्यूटेड दैट ही मेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इन टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इन टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। ही वॉज द वन हु कन्वर्टेड, क्यों? क्योंकि इनका एक जो सबसे मेन थियरी था जिसे कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि का जो पूरा का पूरा जो तिकड़म इन्होंने अच्छी तरह से जो उसका जो मायाजाल रची थी उसी के कारण इसको अट्रीब्यूट किया जाता है। द सिस्टम दैट ही अडॉप्टेड टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव वॉज सब्सिडरी अलायंस। ओके, सब्सिडरी अलायंस हमने पिछले क्लासेस के अंदर देख लिया है, हमको ये सब पता है, मराठास का क्या रोल था, निजाम का क्या रोल था, मैसूर के अंदर क्या हालत हो रही थी। इसके साथ साथ जो पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, इनके जो पहले के जो जेंटलमैन थे जॉन शोर, उनका कुछ हुआ नहीं, तो इसके कारण ही ट्राई टू डिवॉल्व दी होल सिस्टम। नेपोलियन के पीछे इनको डर लग रहा था, हमने ये भी देखा था फ्रांस का, एंड इसके कारण ही रिवर्स दी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, और इसके कारण ही ये सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे लेके आए। ओके, तो पॉलिटिकल कंडीशन अगर आपको पूछा लॉर्ड वेलेस्ली को लेके, तो आप थोड़ा बहुत लिख पाओगे। सब्सिडरी अलायंस, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर और दी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, वो भी ये तीनों के तीनों युद्ध इनके दौरान ही हुए थे। ओके, इवेल्युएशन अगर वेलेस्ली का देखा जाए, ही इज ओनली कंसर्न विद द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर बिल्डर्स दैट इंग्लैंड कुड एवर प्रोड्यूस, कन्वर्टेड द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, ऑल्सो एस्टैब्लिश द ब्रिटिश पैरामाउंट्स इन इंडिया, और साथों साथ जो इंडिया के स्टेट्स के अंदर जो वीक स्पॉट्स थे उसको अच्छी तरह से उसने आइडेंटिफाई किया है। ओके, सो पॉलिटिकल वे के अंदर अगर आपका लॉर्ड वेलेस्ली का कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ गया, तो आप थोड़ा बहुत दो चार लाइनें इसके अंदर लिख सकते हो गवर्नर जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से लेके इंपीरियल पावर तक की पूरी जर्नी थी उसको अच्छी तरह से कंसोलिडेट करने के पीछे भी आपके लॉर्ड वेलेस्ली का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसके बाद फिर से मार्क्स कॉर्नवालिस जो आपके चले गए थे 10 साल एक पहले, उनको वापिस भेजा जाता है, पर 6 महीने के अंदर ही वो लुढ़क जाते हैं और नए गवर्नर जनरल आते हैं जॉर्ज बेलो। जॉर्ज बेलो का ही मदद लेके उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाया था जिसका नाम था कॉर्नवालिस कोड, तो सरकार भी उनको मदद कर देगी। वेलोर के अंदर एक म्यूटिनी हुई थी, आपका जो 1857 का रिवोल्ट हुआ सोल्जर्स रिवोल्ट, उसके पहले वेलोर नाम की जो जगह है साउथ इंडिया के अंदर, वहां पे भी एक म्यूटिनी हुई थी जिसे कहते हैं वेलोर म्यूटिनी ऑफ 1806, ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद और भी गवर्नर जनरल आएंगे, लॉर्ड मिंटो करके एक जेंटलमैन आते हैं, वो आपके जो पंजाब स्टेट है ट्रीटी ऑफ अमृतसर इनके साथ कर देगा। साथों साथ जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है वो भी आपके लॉर्ड मिंटो के टाइम के दौरान ही पास होता है। ओके, तो चार्टर एक्ट एंड लॉर्ड मिंटो याद रखने की कोशिश करिएगा।